स्टूडेंट गुड मॉर्निंग नाउ टेक पेज नंबर 28 इन जनरल नॉलेज बुक ट्रैक एंड फील्ड आंसर द क्वेश्चंस ओरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैक इवेंट एंड अ फील्ड इवेंट ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट में क्या डिफरेंस है सो स्टूडेंट इन अ ट्रैक इवेंट वी कैन वॉकिंग and running on the track and in a field event we can jumps throws on a field event so that is a different second name the 3000 meter track event in which runners have to jump over fixed hurdle as well as वॉटर पीट्स ये जो ट्रैक की बात है इसमें जो रनर होते हैं उनको जंप लगाना होता है और वो एक हर्डल है उनको जहाँ से जंप लगाना होता है वो वहाँ पे हर्डल बना देते हैं और एक वॉटर पीट्स होते हैं तो वो कौन सी गेम में होता है तो वो स्टेप लेसिस में होता है Then, what important role must a competitor in a walking race always keep in mind to avoid being disqualified? जब कोई competitor है खेलने वाले जो person होते हैं वो सामने उसकी एक team होती है दोनों होते हैं ना एक दूसरे का हरीफ हाँ तो उनको सामने वाली टीम डिस्क्वालीफाइड न हो जाए इसलिए उनको क्या ध्यान रखना है तो उनको ये ध्यान रखना है कि जब वो अपना एक पैर बाहर निकाले तब जो दूसरा वाला पैर हो वो ग्राउंड को टच करता हो फ्रंट फुट टच द ग्राउंड जो फ्रंट वाला पैर हो वो ग्राउंड को टच करता हुआ होना चाहिए बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए फोर्थ इन विच रेस वुड यू फाइंड अ लीड ऑफ रनर द टेक ओवर जोन द एंकरमैन इन द बैटन रेस फिफ्थ मेन रन 26 माइल्स एंड 385 यार्ड्स टू कंप्लीट दिस इवेंट विच इवेंट इज दिस मैराथन मैराथन दौड़ की बात है ये Sixth, what is the name of the event in which participant use a pole to jump over a high bar? Pole vault. Look at picture. Seven में आपको picture को देखना है and name this canyon. Seven को देखो और उस canyon का name देना है जो 800 meters gold medalist है. कहाँ पे? At London Olympics 2012, Rio Olympics 2006. वो है. David Rudisha 8 look at picture A8 and name this great American sprinter who won 4 gold medals at the Berlin Olympic in 1936 to wo hai Jesse Owens 9th mein look at the picture A9 the name of the great American sprinter in the long jumper of the 1980 century in the 99 Cal Lewis फिलहाल शायद हमारे टच में ना हो कि ये कौन है बट थ्रू दिस चैप्टर वी हैव टू नो अबाउट दिस ग्रेट पर्सन एंड द लास्ट 10th लुक एट पिक्चर 18 एंड नेम दिस ग्रेट जेमी कन एथलेट एंड द मेंशन द इवेंट ही इज ग्रेटेड तो वो है उस एंड बोल्ट और वो 100 मीटर एंड 200 मीटर की जो एथलेट इवेंट्स है उसके लिए ग्रेट है फिर एक्सरसाइज बी कंप्लीट द लिस्ट बिलो द लेटेस्ट रनर इन योर स्कूल तो ये तो हमारे स्कूल में लेटेस्ट रनर तो फिलहाल नहीं पता है क्योंकि स्कूल इज क्लोज्ड सो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे देन सेकेंड द फास्टेस्ट रनर इन इंडिया इंडिया का फास्टेस्ट रनर में किसका नेम है अनिल कुमार
प्रकाश. देन द थर्ड द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो अभी हमने पढ़ा उसेन बोल्ट. तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंड होती है. नाउ टेक पेज नंबर 29 एंड ऑन दैट पेज we have to learn about the equipment and kit. What is the meaning of equipment? तो equipment means होते हैं कि जो साधन, जो कोई साधन की जो हम खेल खुद के लिए कोई भी play करने के लिए जिसका use करते हैं, और कोई game में kit होती है. तो चलो आज उसके about सीखेंगे. First match the equipment and kit. द करेक्ट गेम और स्पोर्ट. और नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें वो गेम का नेम दिया हुआ है कि ये किसके रिलेटेड है. तो फर्स्ट वाला जो पिक्चर दिख रहा है वो कौन से गेम में होता है, तो वह गोल्फ. गोल्फ में आपको ये बॉल और ये जो उसको थ्रो करने के लिए या तो घुमाने के लिए जो स्टिक जैसा है उसे, तो वो कहाँ पे वो यूज़ होता है, कौन सी गेम में. फर्स्ट वाला पिक्चर है किसके रिलेटेड है, गोल्फ. सेकेंड जो आपको बैट जैसा दिख रहा है, तो वो कौन सी गेम में आपको दिखाई देता है, वो रोविंग में. जो है नहीं बैट बट उसके सेप ऐसा है और आगे से थोड़ा ब्रॉड और ऊपर से स्टिक जैसा, तो वो रोविंग में. हमें रोविंग मीन्स कहाँ पर यूज़ होता है, वो जो बोट में रोविंग करने के लिए यूज़ होता है वो. देन थर्ड है वो तो सबको पता होगा, बॉक्सिंग, यस. फिर फोर्थ वाला स्क्वेज, यस. एंड फिफ्थ वाला है वो स्नूकर. सिक्स है वो हॉकी, यस. देन सेवेंथ वन है वो सर्फिंग में यूज़ होता है, यस. फिर एट्थ वन है वो सेलिंग है, देखो बोट सेलिंग हो रही है. एंड द नाइन्थ इज चेस, यस, वेरी गुड. नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. वेयर वुड यू फाइंड द इक्विपमेंट शॉप, ये सारे इक्विपमेंट है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. तो वो तो होते हैं एट द जिम्नाशियम, जहाँ पे हम का क्या करने के लिए जाते हैं जिम्नाशियम में, यस, एक्सरसाइजिंग. व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, चलो वो भी क्वेश्चन आ गया, ये किसके लिए यूज़ होता है, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के लिए. ओके, देन टर्न द पेज एंड ऑन दैट पेज यू हैव टू लर्न अबाउट द ग्रेट पर्सन सेइंग, आई मीन उन्होंने क्या कहा है, हु सेड इट, किसने कहा है. चलो मैच करना है. फर्स्ट है an eyes for an eye make the whole world blind. Eyes for an eyes makes the whole world blind. तो ये एक saying है, I mean वो कहावत कहते हैं ना, जैसे कि कहावत means कहावत, ऐसी कहावत नहीं बट कुछ लोगों ने ये सब कहा है, उनके ये वर्ड है. तो ये किसके वर्ड है, तो वो है महात्मा गांधी के, सील को. सेकेंड आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशनल नेशन वेर दे विल नॉट टू जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. वेरी नाइस, सही, अच्छी बात कही है. वो कहते हैं कि मेरा ड्रीम है कि मेरे लिटिल चिल्ड्रन है वो ये नेशन में ऐसे जज हो, ओ उनके स्किन के कलर से जज ना हो बट कि उनके कैरेक्टर से वो जज हो, कि उनका कैरेक्टर कैसा है, उसकी उनकी खासियत किसी उनसे जज हो. तो ऐसा किस पर्सन ने कहा था, मार्टिन ल्यूथर किंग ज़ार ने कहा था, यस, जो राइट्स लीडर है ऑफ द 1915 के. और उन्होंने एक स्पीच दी थी, उनका एक कोटेशन है जिसमें इन्होंने ये वर्ड कहे हैं, और ये वर्ड है उनके लिंकन मेमोरियल 1963 की जो बुक है उसमें से लिया हुआ है. फिर है That's one small step for man, one giant leap for mankind. Very nice. उसका मीनिंग ही कि एक पर्सन छोटा सा एक स्टेप लेता है ना, तो पूरी मैन का एंड आई मीन के पूरी मानव जात के लिए एक बड़ा सा लिप, लिप मीन्स के जंप, जंप होता है.
आई मीन कोई भी सारी अच्छी एक्टिविटी करने के लिए। तो ऐसा किसने कहा था, तो वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, व्हेन ही फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून इन 1969, जब उन्होंने एक स्टेप मून पे रखा था, तब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर एक पर्सन एक स्टेप ले ना, तो वो पूरी ह्यूमन काइंड के लिए पूरा बड़ा जंप हो सकता है। सारी जहाँ से अच्छा, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर सेइंग, सबको पता है किसने कहा था, वो कहा था राकेश शर्मा ने, सारे जहाँ से अच्छा। राकेश शर्मा ने फर्स्ट इंडियन स्पेस में 1984 में जब गए थे, व्हेन ही वाज आस्क्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम द स्पेस, दिस वाज वेयर हिज रिप्लाई। जब इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा था कि आपको वो स्पेस में से इंडिया कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा, सब जहाँ से अच्छा दिख रहा था, वेरी नाइस सीन। फिफ्थ, इफ यू कांट फीड 100, अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते, देन जस्ट फीड वन, तो एक को खिला दो। तो वो कहा था मदर टेरेसा ने, क्योंकि वो हेल्पफुल वुमन थी, सारे पुअर लोगों की हेल्प करती थी। फ्रेंड्स एंड कॉमराड्स, द लाइट हैज गोन आउट फॉर लाइव्स एंड देर इज अ डार्कनेस एवरीवेयर, तो दैट इज अ सेइंग बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आफ्टर महात्मा गांधी असैसिनेशन ऑन द 30 जनवरी 1948, एट द स्ट्रोक ऑफ द माइट नाइट हॉर वाइल द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। वाओ, जब सब सो रहे थे, मिडनाइट थी, तब इंडिया जगा था लाइफ एंड फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था। कब कहा था, कि उनकी एक स्पीच थी ट्रस्ट विथ डेंस डेस्टिनी, और उनकी एक बुक है एट द मिडनाइट 15 अगस्त 1947 में से लिया हुआ है ये, नो वन इज़ बोर्न हर्टिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, दो दैट इज सेइंग बाय नेल्सन मंडेला, हिम आई कॉल अ महात्मा हुज हर्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर। तो ये तो नेम से ही आपको शायद ख्याल आ गया, वो स्वामी विवेकानंद। फिर एक्सरसाइज बी, फ्रॉम विच होली बुक्स आर दिस ट्रांसलेटेड लाइन टेकन, राइट द करेक्ट लेटर्स। अब वो नीचे ब्रेक जो बुक्स दिया हुआ है वो बुक का नेम है, और ये ट्रांसलेट लाइन से जिसका ट्रांसलेशन किया हुआ है, तो वो कौन सी ग्रेट बुक में है ये, ग्रेटर लव हैज़ नो वन देन दिस टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड। तो इसका मीनिंग है कि इससे बड़ा स्नेह कोई नहीं हो सकता, कि जो ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए अपना जो भी बलिदान है, अपना जो भी लव है, वो दिखाने के लिए अपने आप को ले डाउन कर देना अपनी लाइफ को, तो वो कौन सी बुक में था, वो द बाइबल में था। गिव अप योर सेल्फिशनेस एंड यू शैल फाइंड पीस, सेल्फिशनेस मीन्स के अपने स्वार्थ उसको छोड़ दो तो आपको शांति मिल जाएगी, तो वो था गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ। फिर ही वो सेज अ सोल हैज सेव्ड द लीव्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, द ग्रेट सेंटेंस के वो सेज द सोल, जो अपने आत्मा को बचाए, ही सेव्ड द लीव्स ऑफ मैनकाइंड, अपनी आत्मा को बचाए, अपने आत्मा को अच्छा रखा, तो मानो कि वो सारे मैनकाइंड को, पूरी मानव जात को उसने बचा लिया। तो दैट इज सेइंग इन अ कुरान, द कुरान। फोर्थ, अ पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग बाय बीइंग सिंपल एंड हम्बल, सिंपल एंड हम्बल, प्रमाणिक और सादगी से पर्सन ही सब कुछ पा सकता है, तो वो है द ऋग्वेदा में कहा गया है, यू हैव द राइट टू वर्क, आपको काम करने का हक है, बट नेवर टू द फ्रूट ऑफ वर्क, बट फ्रूट ऑफ वर्क में काम करने का हक है, बट उसका फल पाने की आपको इच्छा नहीं रखनी है, यू शुड नेवर एंगेज इन एक्शन फॉर द सेक फॉर द रिवॉर्ड, नॉर शुड यू लॉन्ग फॉर इन एक्शंस, सो दैट इज सेइंग इन द भगवद गीता।
Then turn the page. Tales of India. Tales of India में unscrabble word है, उनको scrabble करके बताना है. तो first है, in India there are many ancient collections of stories that teach us a lot about life. ऐसी बहुत पुरानी कहानियों का collection है जो हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है. देन द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स इन अ संस्कृत. इट इज सपोज्ड टू हैव बीन रिटन बाय विष्णु शर्मा आफ्टर द बाइबल. इट इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली ट्रांसलेटेड लिटररी वर्क. पंचतंत्र की फेबल्स आपको पता है जो संस्कृत में है. फिलहाल अब तो बहुत उसका ट्रांसलेशन हो गया है और उसकी स्टोरी भी हमें पढ़ने में आती है. हम उसकी स्टोरी देखी भी है शायद आपने भी देखी हो. थर्ड, हितोपदेश मीनिंग गुड एडवाइस इज अ बुक ऑफ फेबल इन संस्कृत बाय पंडित नारायण. इट इज़ बेस्ड ऑन द पंचतंत्र. इट द टाइटल ऑफ दिस बुक मेक्स इट्स पर्पस क्लियर. देन 4 to 6 है आपको होमवर्क में करने हैं. हितोपदेश है वो भी संस्कृत में है और नारायण ने लिखी है और वो पंचतंत्र के ही बेस्ड पे है. सो स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट टिल पेज नंबर 31. थैंक यू वेरी मच.